फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मलपीत जोशी को फिर आज आपके बीच में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि सन इन फर्स्ट हाउस इन योर हॉरोस्कोप, अगर कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य है तो उसका क्या फल होगी, उम्मीद हम उससे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सूर्य क्या है। सूर्य को हम जोड़ते हैं अपने फादर से और माता के लिए हम देखते हैं मून। तो जब सूर्य को हम पिता से जोड़ के देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सूर्य या तो अपने ओन साइन में हो यानी स्वराशिष्ट हो, सिंह राशि का जैसे स्वामी बनता है तो एक अच्छी बात है। यदि मेष राशि में हो तो उचका हो जाता है, और नीच का होता है तुला राशि में। अगर तुला राशि में नीच का होगा तो इंसान की हरकतें, ये नहीं है कि नीच वाली हरकतें करेगा, पर एक ही अच्छा नहीं माना जाएगा, इंसान के काम में दिक्कत आएगी बनने में। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या कह सकते हैं कि फेम या कुछ भी जो सूर्य से संबंधित कार्य है आप समझ सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको, सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर सूर्य स्वराशिष्ट है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, सबसे पहले अगर सूर्य आपके लग्न में होगा ना, आप एक चीज़ हमेशा देखना, व्यक्ति का जो फेस है थोड़ा गोल होगा, और उसके साथ साथ दोस्तों उसके चेहरे पे एक अलग ही शाइनिंग होगी, मतलब तेज होगा उसके चेहरे पे, आंखों में तेज, चेहरे पे तेज, बहुत सुंदर दिखता होगा व्यक्ति। रंग गोरा हो सकता है, फेयर। और 7th हाउस में कौन सा ग्रह है और कौन से ग्रह की लगन पे दृष्टि पड़ रही है, ये ओवरऑल आपकी कुंडली पे डिपेंड करेगा। बट अगर लगन में सूर्य है तो देखा जा सकता है कि व्यक्ति का रंग फेयर हो सकता है, लालिमा जैसे। ठीक है, उसके साथ साथ खून की कोई कमी नहीं होगी, खून बहुत होगा उसके शरीर में। और आप ये भी देख सकते हैं, वो ओवरऑल कुंडली पर भी डिपेंड करता है, मैं पहले बता दूँ कि खून की कमी के लिए और कौन से ग्रह की क्या दृष्टि पड़ रही है, कौन सा ग्रह 6th हाउस में है, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। पर यह है कि लगन में जब सूर्य होता है व्यक्ति के अंदर एनर्जी बहुत होती है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है हमेशा। पर अगर नीच राशि का हो जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, व्यक्ति कुछ करने की सोचता है वो कर नहीं पाता है, दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं गवर्नमेंट जॉब में, फेम मिलने में, और पिता से संबंध बेकार हो सकते हैं। बट वो ओवरऑल कुंडली पर डिपेंड करता है कि राहु की स्थिति कहाँ। अगर राहु 10th हाउस में होगा, सूर्य नीच राशि 7th मतलब लगन में होगा तुला राशि में, तो हो सकता है कि फादर से संबंध थोड़े ख़राब कर दे, आपके फादर के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दे दे। ठीक है, या 9th हाउस में केतु हो, राहु, कोई भी हो प्लेनेट, ओवरऑल आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। लगन में जब अगर मेष राशि में सूर्य है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा इंसान बहुत तरक्की करता है जीवन में, बहुत अच्छी सरकारी पोस्ट पे जाता है, सम्मान पाता है सरकार की तरफ से, और बहुत धन होता है उसके पास, और कभी भी किसी को फॉलो नहीं करेगा। बस आप ये हमेशा देखना दोस्तों, जब भी लगन में सूर्य होगा वो इंसान किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करेगा, अपने आगे किसी की चलने नहीं देता, ऐसा देखा गया है। पर ओवरऑल कुंडली पर भी डिपेंड करता है आपकी, बट ये देखा गया है कि अपने आगे कभी भी किसी की चलने नहीं देता। पर यह कि लगन में जब सूर्य होगा तो इंसान का कॉन्फिडेंस, अगर मेष राशि में तो उच्च, मतलब उच्च का मेष राशि में हो जाएगा, तो लगन में जब सूर्य होगा तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि मेष राशि में उच्च का आ गया, और व्यक्ति बहुत सम्मान पाता है, धन भी बहुत अच्छा रहता है, और कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा। बट ये कि गुस्सा बहुत तेज आएगा उसको आएगा तो। ठीक है दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।